वेलकम टू अवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। एमपी का सबसे ओल्डेस्ट बेस्ड हॉस्पिटल है, तो आज हम आए यहाँ पे शूट करने पॉडकास्ट इसके साथ। आओ देखते हैं पूरा वीडियो। क्या होता है, शरीर का रोग तो दिख जाता है कि बुखार आ रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है। हमने कोशिश करी कि जो दिमाग में टेंशन तनाव बना रहता है, टेंशन उसको कैसे कम करें। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। अभी अभी रचना आज तैयार होके मम्मी का आशीर्वाद लेके कहाँ जा रही है? क्या मम्मी, रचना कहाँ जा रही है? आपका आशीर्वाद क्यों लिया होगा इसने? मेरे कमल नहीं पता, चलो आके बताते हैं। आज है अनंत चतुर्दशी और गीत का बर्थडे आज पांचवा, आज तिथि से हिसाब से गीत अनंत चतुर्दशी के दिन हुई थी। तो आओ आज के दिन को शुभ मनाते हैं। कैसे आ रहे गीत ना पापा मम्मी? जल्दी निकल रहा दोस्तों, टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत लेट हो गए। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत ज्यादा लेट हो गए। जय माता दी। तो दोस्तों हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग भोपाल सडनली हमें आना पड़ा, तो मालवीय जी का दिमाग आप जानते हैं कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ऐसा कभी होता नहीं है कि उनका दिमाग चलना बंद हो जाए। तो एक्चुअली हमारा पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड शूट होने वाला था इंदौर में, लेकिन सडनली पापा की तबीयत खराब थी, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी बहुत घबरा गई थी, इसलिए मम्मी ने सडनली हम लोगों को बोला कि तुम सब आ जाओ, तो हम सबको आना पड़ा, तो वो हमारा पोस्टपोन हो गया। तो जब यहाँ आए, कल पापा को दिखा दिया, सब कुछ सेटल है, तो मालवीय जी ने एक सोचा कि क्यों ना भोपाल आए हैं, तो भोपाल के ही किसी स्पेशल गेस्ट के साथ हम पॉडकास्ट का एपिसोड शूट कर लेते हैं। दोस्तों आज का दिन हमने क्यों चुना, मैं चाह रहा था कि अनंत चतुर्दशी जो गीत का बर्थडे था, जिस दिन हमारी जिंदगी में गीत एक बहुत खुशखबरी आई थी, खुशी लेकर आई थी, और अभी तक हम उसके बाद से हमारी लाइफ कम्प्लीट चेंज होती गई, तो क्यों ना पॉडकास्ट का पहला एपिसोड अनंत चतुर्दशी के दिन शूट हो। इसलिए मैंने रात को, मतलब एक दिन पहले रात को हमने मैसेज किया, जो भी जिनको हम जानते थे भोपाल में, है ना, तो उन्होंने से एक ने हाँ कर दी है, और किस्मत है कि उन्होंने हाँ कर दी, नहीं तो इजिली ऐसा इतने आसानी से मिलते नहीं गेस्ट, तो उन्होंने हाँ कर दिए। उनके बाद हम जा रहे हैं और उनके साथ पॉडकास्ट शूट करते हैं। तो कौन है, कैसा पॉडकास्ट होगा, कैसे कर पाते हैं, गॉड नो, हमारे लिए पहली बात है। तो आओ चल के देखते हैं, जब भी इसका पॉडकास्ट का वीडियो आएगा, कब आएगा पता नहीं, उसका हम लिंक दे देंगे आपको जल्दी से। तो दोस्तों कई लोगों का ये कि तुम्हारा नीश क्या है, क्या टॉपिक रहेगा। दोस्तों अगर आप एक दो साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंने अक्सर बताया कि मुझे मेरी लाइफ का थोड़ा सा मिशन मिल गया है, मैं ऐसे काम ही करूंगी जिससे लोगों की हेल्प हो। एंटरटेनमेंट अलग चीज है, लोगों में अवेयरनेस हो, जो प्रॉब्लम्स मैंने अकेले फेस की है वो मैं जानती हूँ कि प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा और ऐसी प्रॉब्लम्स से लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और हर आंसर गूगल पे सच नहीं होता है। तो हम ऐसी ही चीजों को लाएंगे जिससे लोगों की हेल्प हो, चाहे व्यूज कम हो, ज्यादा हो, पैसे हो, क्योंकि एक की भी हेल्प हो गई तो हमारे लिए वो जीत है। तो हम ऐसे ही काम करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है ऐसे काम करने में आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। नीचे चैनल की लिंक दी है, आप पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमें अपना फैमिली मानते हैं। तो दोस्तों सब हमारे औजार ले लिए हैं, हथियार ले लिए, सामान ले लिए, और आज भी हम अकेले, और इस चीज का हमको कोई भी जरा सा वो नहीं है, प्राउड ही फील करते हैं कि अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे, अकेले ही करेंगे जो करना है। ऐसे में हम चाहते टीम ले आ सकते थे किसी को, पर हमने सोचा नहीं है, कब तक जो भी करना हमको ही करना है ना। किस्मत है कि दादी हैं, बच्चों को रख ले रही हैं जितनी देर भी होगी, ठीक है। चलो दोस्तों, पता नहीं कितनी दूर है यहाँ से, एक नंबर ब्लॉक में जाना है। तो ये है GMC गांधी मेडिकल कॉलेज, आज गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, MP का सबसे ओल्डेस्ट बेस्ड हॉस्पिटल है। तो आज हम आए यहाँ पे शूट करने पॉडकास्ट इसके साथ, आओ देखते हैं पूरा वीडियो। कहाँ से रास्ता होगा? तो भाई साहब आधा घंटे वॉक करने, आधा किलोमीटर वॉक करने का हम पहुँचने वाले हैं। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो है, हमको पार्किंग गलत जगह दे दी उनने, चलो ठीक है, जो भी है सेफ तो है कम से कम। एकदम हमीदिया है, कई सालों बाद आया हूँ मैं तो हमीदिया में। क्यों रहते तुम, आए हो पहले? मेरी तो दीदी ने, तुम्हारी दीदी ने यहीं से नर्सिंग करी। हाँ आते थे मिलने। नहीं, मैं तो मौसी और बाबूजी को लेके आते थे, तो याद है मेरा हाथ दर्द करने लगा है। हाँ ऐसा हाल है।
सिक्योरिटी ने रोक लिया था, पूरी चेकिंग हुई है, सिक्योरिटी ऑफिस के पास भेजा गया, 10 मिनट वहाँ वेट हुए, सर से बात हुई, अच्छी बात है, कोई भी किसी भी डॉक्टर पे हमला कर देता, हमने पूरा अपना डिटेल्स दिए, फोटो खिंचवाया, उसके बाद ही हमें अलाउ किया। उसी चीज हुई कि उन्होंने, हमने अच्छी बात है कि व्हाट्सएप पे चेक थी वो दिखाया, क्योंकि प्रूफ जरूरी है, तो गॉड ब्लेस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। वेलकम टू अवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। 2019 में 1,48,000, फिर कोविड के बाद इसमें काफी जंप देखा गया, तो 2020 में जो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेरा जीवन योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और वो एस्केप ये करीब 10% डिलीवरी के बाद प्रसूताओं में देखने को मिलता है, और वो भी कम आंकड़ा नहीं है, 10% इज यूज फिगर। दोस्तों पॉडकास्ट हो गया है, वी वर नर्वस, काफ़ी नर्वस थे, सर ने कहा कि सभी लोग नर्वस होते हैं, ऐसा नहीं है डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो फाइनली दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम ये जो भी चीजें कर रहे हैं वो एक अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, तो सच में हमें ऐसी चीजें पता चली जो मुझे नहीं पता था, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, सबके लिए फायदेमंद होने वाली है। तो जब भी हम इसकी लिंक देंगे तो जरूर देखिएगा, जिससे जरूरत है उसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हेल्थ सभी के लिए। तो देखो हमीदिया इतना साफ सुथरा कभी नहीं था पहले जितना अब हो गया है, इधर से ही ना, नहीं ना आगे से, आगे से, आगे से, जो कितना साफ है यार हमीदिया, इतना साफ है, नो डस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी अच्छी सिक्योरिटी संभाल रहे हैं हमीदिया की, और उसके साथ नीट एंड क्लीन भी है हॉस्पिटल, तो हेड्स अप टू यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, अभी हमारी सर कोशिश और भी है, जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा कोशिश कर रहे हैं इस हमीदिया परिसर को साफ स्वच्छ और सिक्योर करने का, हमारी कोशिश यही रहती है हमेशा, और बस थोड़ा सा ये है पब्लिक भी जागरूक हो जाए तो हमारे लिए और भी सहूलियत हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, हमारा पूरे इंदौर की तरफ से और भोपाल की तरफ से, थैंक यू सर जी। ऐसा है हमीदिया भाई साहब, हमीदिया बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया हमीदिया। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं भोपाल के जीएमसी हमीदिया हॉस्पिटल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर से। यहां हम जानेंगे हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में। एक बार और दूं क्या? दोस्तों ये है यूनियन कार्बाइड के जस्ट पास का चौराहा, जिसको कहते हैं DIG बंगला चौराहा। दोस्तों तो हम लोग बहुत थक गए हैं, एक घंटे का जो भी काम हुआ, सीधे घर ही जाना और कहीं रुकना, लेकिन बॉडी में पानी की बहुत कमी हो गई है, पापा के लिए भी हम नारियल पानी डेली ले जा रहे हैं, तो लेके जाना है वो ले रहे हैं और खुद जूस पी रहे हैं। और अभी हम कहाँ पे? हम DIG बंगलोज के आसपास से, यहाँ जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी आप लोगों को पता होगा 3 सितंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कितना बड़ा था, मिथाइल आइजोसाइनाइड के थ्रू कितनी जहरीली गैस थी, आपने मूवी भी देखी होगी, उससे भोपाल उबर ही नहीं पाया, खासकर ये एरिया आज भी यहाँ के लोग अफेक्टेड हैं उस चीज़ से, जनरेशन बाय जनरेशन बहुत ज़्यादा, तो वो एक भोपाल की बहुत ही खतरनाक चीज़। दोस्तों मैंने लिया चुकंदर का गीज, पापा के लिए सामान पैक हो रहा है, मालूम जिन में पाइन एप्पल। तो मम्मी पता है आज तुम्हारे बेटा बहू ने हमीदिया के बहुत बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू लिया और उनसे बहुत कुछ बातें ऐसी जानी जो कि समाज हित में होगी, जो लोग आजकल सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन मतलब कि मानसिक रोग से अगर पीड़ित है, क्योंकि क्या होता है शरीर का रोग तो दिख जाता है कि बुखार आ रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो हमने ये कोशिश करी कि जो दिमाग में टेंशन तनाव बना रहता है टेंशन से उसको कैसे कम करें, तुम्हारा क्या लगता है? खुशी की बात भाई, अच्छी बात, बहुत अच्छी खुशी। आशीर्वाद आज क्या है, गीत का जन्मदिन था कि जो अच्छे तरीके को ही थी, और आज ही के जन्मदिन शुरू किया है हमारा नए चैनल। अच्छा
आज ही हमने इसलिए किया कि आज अरे मेरी अम्मा तू क्यों लगा रहे हाथ उसको माइक को हाथ लगा रही मीत दीदी और मीत दीदी रीत दीदी मैं ही भूल जाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा था आज का वीडियो यही रखने से स्पेसिफिक था। इस चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये उस वीडियो को सबसे पहले देखना है, पूरा देखना है। अगर बिजी हो तो चला के छोड़ देना, बाद में देखना, मगर वो देखोगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने सच्चे दिल से हमसे फैमिली में एक्सेप्ट किया है तो उस वीडियो को जरूर स्टेटस पे लगाना, व्हाट्सएप पे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, क्योंकि वो हर आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए। बच्चों में मोबाइल एडिक्शन के बारे में हमने बात की है, ड्रग्स या नशे के लिए बात की है, जो हर घर में आजकल बहुत मामूली सी बात हो गई है। और भी बहुत सी कुरूतियां हैं, या कैसे हम पहचाने सुसाइडल टेंडेंसी क्या होता है। हम किसी दोस्त से यार से आज मिले, मगर दूसरे दिन जाके देखते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो हमको पता नहीं चलता। जैसे हमने बताया फिजिकल फिटनेस तो हाथ पांव से दिख जाती है कि बंदा वीक है या बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया, फीवर आ गया, पर मेंटली इलनेस का कोई वो नहीं दिखता सिम्टम, मगर सर ने हमको सब कुछ बताया। तो वो पूरा वीडियो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट लाइक कर लो, शेयर कर लो। और जैसे वीडियो आए तो प्लीज प्लीज पूरा देखना। जय माता दी दोस्तों, अपना ध्यान रखेगा। ये है आज का वीडियो और बहुत बड़ी बात है सच में, माता रानी ऐसे ब्लेस करके रखे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपके और आपके परिवार जनों के लाइफ में, जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और आज के वीडियो में आपने देखा कि जब हम भोपाल गए थे तो वहाँ हमने जेपी अग्रवाल सर के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट शूट हुआ। सर का जो एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, सच में बहुत सी ऐसी बातें पता चली जो मुझे या मालवीय जी को नहीं पता थी। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि नीचे दी हुई लिंक पर जाके एक बार उस वीडियो को सुनिएगा। नहीं देख सकते चला दीजिएगा टीवी या मोबाइल में, घूमते फिरते भी अगर आप सुनेंगे तो बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो किसी के काम आ सकती है। तो उस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्टेटस में, इंस्टाग्राम में, क्योंकि कब किसकी हेल्प हो जाए हम भी नहीं जानते हैं। और उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माता।